कुछ हद तक सही भी है। हमारा आज का जो विषय था हम उससे कुछ भटक रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और अपन यहाँ खड़े हो के गिले शिकवे पुराने गिनाएंगे तो सब 11 बजे से पधारे हुए हैं और अभी सब अगर व्यवस्था हो भोजन की तो बात अलग है, अदरवाइज मैं सोचता हूँ ज्यादा समय नहीं खींचे वक्ता भी। खैर मैं अपनी संक्षिप्त में बात रखता हूँ। फर्स्ट बात तो यह कि प्रताप सिंह जी साहब ने कहा पैलेस में, पैलेस वाली बात सत्य है। ये सत्य है कि मैं भी नाहर सिंह जी के साथ और उनके पक्ष में बात करते हुए, बिल्कुल मैं खुला कह रहा हूं, माफ करना प्रहलाद सिंह जी साहब, प्रहलाद सिंह जी साहब मेरे घर पधारे थे तो मैंने उनको कहा था कि साहब मैं माफी चाहता हूं। तो स्पष्टता जो होती है वो किसी में, बहुत कम लोगों में होती है, और स्पष्टता अगर कोई ये कह देता है तो सामना आंखों से आंखें मिलाकर सामना कर सकता है। तो मैं नाहर सिंह जी के साथ था और मैंने दो, और सिर्फ इसलिए था कि राज परिवार ने कहीं न कहीं हमारा सिरमौर, तो हमने उनका, उनकी बात और उनका सम्मान रखा। लेकिन उन्होंने मेरे पे भी ब्लेम आया, इसलिए मैं प्रताप सिंह जी ज्यादा इस पे माइंड मत अप्लाई करो, मेरे पे भी यही ब्लेम आए थे कि आपने भी धोखा दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने सिर गिनाते हैं, बाप दादे गिनाते आए, हम देते आए, आज गिना रहे हैं, फर्क इतना ही, ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इस पे कोई ज्यादा आसपुर और छोड़ दो और ये सब बातें आप जैसे सीनियर आदमी करें अच्छा नहीं लगता है। ये समाज आपका है, आप समाज के हैं। प्रथम चरण तो यह है कि क्या छात्रावास प्रॉपर्टी किसकी है, और इस क्वेश्चन को बड़े लेवल पर मैं, हालांकि सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखो चार लोग जय माता जी करके बिल्कुल सैल्यूट करेंगे और चार लोग पीछे से कहेंगे तू लिख दे उधर, कुछ ऐसा लिख कि ये बोलता बंद हो जाए। तो मैंने काफी ग्रुप भी छोड़ दिए और मैंने लिखना बंद कर दिया और देखना भी बंद कर दिया। लेकिन मेरा ये, मुझे किसी ने कहा कि काफी समय से ये बात चल रही है कि भाई छात्रावास है किसका, प्रॉपर्टी किसकी है और इसके पीछे क्या मसला है। मैं आज सुबह नहीं गया था पैलेस, पर जो लोग पैलेस पधारे थे उनको भी स्पष्ट रूप से महाराज कुंवर साहब ने कहा है कि ये प्रॉपर्टी समाज की है और समाज की ही है, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा विषय यह आया कि कुछ परंपराएं अपनी बनी हुई है, तो परंपराओं के वजह से हम उसको परंपरा गिन बैठे हैं जबकि वो एक सिस्टम है। सिस्टम यह था कि ये फैक्ट है नार सिंह जी साहब कि पांच लोग समाज के थे और पांच लोग पैलेस से थे मनोनीत, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसकी जानकारी मुझे है। कुछ विवाद बीच में हुए थे, बड़े बुजुर्ग यहां जो विराजमान है काफी लोग इस बात को जानते भी हैं, एक बार नहीं दो दो बार आपस में मुकदमा हुआ है समाज का और राज परिवार का। और इसलिए हुआ था कि कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर या कोई इस प्रॉपर्टी की, हमेशा यही प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद होता है। और ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नो डाउट कि जैसा महाराज कुंवर साहब के पेपर है उनका जैसा कहना है या समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि ये 501 रुपए में परवाने के रूप में दी गई थी। और उसके बाद क्या परिस्थितियां रही ये बहुत सारे लोग जानते हैं। अब विषय यह है कि मैनेजमेंट का जो तरीका था चल रहा था ठीक है, प्रताप सिंह जी साहब, गुमान सिंह जी, वलई साहब, आप फरमा रहे हैं कि बिना उसके हम सूचना देते थे, ठीक है सूचना देते थे और सूचना से हॉस्टल खुल जाता था। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि कोई भी नियम नहीं होता है। मेरा अपन भी गांठ बांध के बैठ जाए कि नहीं साहब ऐसा ही है, और कोई ये गांठ बांध के भेजा कि नहीं साहब ऐसा ही करना है, तो कभी भी इस समस्या का समाधान, मैं सोचता हूं 2 घंटे शायद घंटा भर अंदर भी बैठे थे, कोई उसका सोल्यूशन निकला नहीं था। और ये फैक्ट है कि ये सोल्यूशन ऐसे जाजम पर बैठ के निकाला भी नहीं जा सकता है।
अगर अपन सब इस विषय पर यहां पर अगर झगड़ा करेंगे या कोई वाद विवाद करेंगे तो इसका समाधान यहां बैठकर वास्तव में नहीं होने वाला है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम महाराज कुंवर साहब से एक बार पुनः एक कमेटी बनाकर, और जो कि महाराज कुंवर साहब की ओर से भी कोई प्रतिनिधित्व आया हुआ है, हम उस कमेटी को आज ही डिसाइड करें और उसमें 5-7 लोग 10 लोग आपको ऐसा लगता है जो भी उचित लगे अपन तय करें, और आप जो कमेटी जो महाराज कुंवर साहब की ओर से पधारे हैं उनको अपन रिक्वेस्ट करें साहब एक दिन तय कर लें। महाराज कुंवर साहब की उपस्थिति में दोनों बैठे हैं, क्या ऐसा कुछ कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, सुलझाया जा सकता है सामाजिक लेवल पर। मुझे बहुत दुख होता है, आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, शायद मुझे जो जानकारी है कि रतनपुर रोड पर मुसाफिर खाना है वो भी एक समय में समाज की थी और वो किसी कारण से विक्रय कर दी गई, और हाँ चर्च तो किसी कारण से इतनी प्राइम लोकेशन थी, तो उसके बाद बाजार से भी अपन यहाँ आए, हॉस्टल अपनों ने यहाँ खोला। यहाँ भी कोई विषय नहीं है कि समाज ने अपना योगदान नहीं दिया, समाज ने योगदान दिया है, जैसा चंद्रवीर सिंह जी साहब ने बताया था बिल्कुल फैक्ट बताया है ये, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज उस बाद में कंस्ट्रक्शन भी उसी से हुआ था। लेकिन हम लड़ क्यों रहे हैं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मेरी सोच है कुछ 2-5 लोगों के स्वार्थ की वजह से हमारा टकराहट हो रही है और हम इस बिंदु को इतने बड़े लेवल पर फैला दिया। देखिए चुनाव हो गया, मैं नाहर सिंह जी साहब की तरफ था, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। कोई एक आदमी कहते मैं, जैसा प्रताप सिंह जी कह रहे हैं ऐसा मैं भी कह रहा हूं कि मैंने किसी को कहा हो कि प्रहलाद सिंह जी को वोट देना, ये लो, मैं तो उल्टा बोलता हूं, कहा नहीं कहा। तो आप ये विषय को समझे, ये विषय नहीं है। अगर आज प्रहलाद सिंह जी बने तो ये हमारे सिरमौर है, ये मेरे भी अध्यक्ष है, ये नहीं कह सकते कि मैं इस समाज का अध्यक्ष नहीं हूं या शार्दुल सिंह का अध्यक्ष नहीं हूं या नाहर सिंह जी का अध्यक्ष नहीं हूं, पूरे समाज के अध्यक्ष है। मेरा यही एक बहुत बड़ा विषय, आप इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके इसको, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को आप खत्म करने का प्रयास करें, वाद विवाद बढ़ता रहेगा कोई इश्यू नहीं है। दूसरा विषय मैं रख रहा हूं, मुझे थोड़ी सी शिकायत है, मेरा ना तो किसी से कोई रंजिश है, ना कोई बेर है, ना कोई विला है, ना शिकवा है। मेरा इतना सा कहना है कि यूथ, मैं एक बार यहां बैठा था, समाज की बैठक चल रही थी, तो ये प्रस्ताव सबसे पहले मैंने रखा था कि जैसा हमेशा हर समाज में होता है कि एक यूथ की कार्यकारिणी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां नहीं है, इसको अपन सब रखें ताकि यूथ ही वर्क करता और यूथ का ही काम होता है बेसिक, कि वो पूरे जिले में दौड़कर काम करे। लेकिन अचानक से मेरी सोच है, हो सकता है मेरे कोई वो नहीं है, मेरा कोई सूर्य सिंह जी गुमानपुरा से कोई मेरा अच्छा मित्र है, लेकिन प्रश्न यहां ये है कि क्या पूरे समाज के युद्ध को विश्वास में लेने के बाद में इस तरीके की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। मैं सोचता हूं ये गलत हुआ है। अगर गुमान सिंह जी सूर्य सिंह जी गुमानपुरा को भी बनाना है कोई विषय नहीं है, आप एक पूरे जिले के अंदर जैसी बैठक आज रखी है, क्या यूथ को बुलाकर इस हॉस्टल के अंदर नहीं रखी जा सकती थी? क्या सबको विश्वास, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं, मैं यूथ नहीं रहा हूं ना मैं दावेदार हूं, मैं आपको बता देता हूं, मैं भी 50 क्रॉस कर गया हूं। मेरा इतना ही निवेदन है कि क्या यूथ को बुलाकर यूथ की पसंद का और यूथ को विश्वास में लेकर अगर ये घोषणा होती तो ज्यादा बेहतर होता। दूसरी बात कि चूंकि यूथ ने इस विषय को उठाया है, मैंने नहीं उठाया, मैं तो उनकी बात रखने के लिए माइक पकड़ा है मैंने, और मुझे कहीं जाना है, जल्दी थी, फिर भी मैंने पापा को भेजकर और मैं ये बात कहने के लिए रुका कि मुझे 2-10 मिनट बीच में देवे। तो मेरा ये निवेदन है कि जो कार्यकारिणी है जिले की, एक बार पुनः विचार करें, सूर्य सिंह जी गुमानपुरा दोबारा मनोनीत है कोई इश्यू नहीं है, पर एक बार पूरे यूथ को, क्योंकि पूरे यूथ की तरफ से आजपुर में हर जगह पे हर गांव से हर यूथ से ये बात आ रही है कि साहब ये अचानक कैसे हो गए, तो कहीं ना कहीं ये विषय बार बार विवाद के रूप में आगे बढ़ा ले, इससे अच्छा है कि आप सब यहां विराजमान है,
इस जो यूथ की जो आपने शायद शपथ ग्रहण समारोह रखा है इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें और आगे पूरे यूथ को इकट्ठा करके एक सिर्फ यूथ सम्मेलन बुलाएं और उसके बाद में उसकी घोषणा करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपकी तमाम खबरें देखने के लिए News24 पब्लिक वॉइस को सब्सक्राइब करें। खबर को शेयर लाइक करना न भूले। धन्यवाद। News24 पब्लिक वॉइस बने रहिए हमारे साथ।